हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ठंड आने वाली है और ठंड के टाइम जब बहुत ज्यादा कोहरा या धुंध हो जाता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो उस टाइम बाइक स्कूटी या फोर व्हीलर यूज करने में काफी प्रॉब्लम आती है। और जो कंपनी जो प्रोवाइड करती है लाइट, वो उस टाइम के लिए सफिशियंट नहीं होता, तो हम लोग एक अलग से फॉग लाइट को यूज करते हैं उसमें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी स्कूटी में फॉग लाइट का जो इंस्टॉलेशन होता है उसको कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये वो फॉग लाइट है जिसे मैं स्कूटी में इंस्टॉल करूंगा, और इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक स्विच चाहिए होगा, पुश एंड पुल स्विच, क्योंकि इसका जो कनेक्शन होगा इस स्विच से होगा। इस फॉग लाइट को मंगवाने से पहले मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये जो फॉग लाइट है ये डायरेक्ट जो स्कूटी का मिरर वाला पॉइंट है उसमें जाके ये सेट हो जाएगा। तो ये वो फॉग लाइट है जिसको हम स्कूटी में इंस्टॉल करेंगे, और ये पुश एंड पुल स्विच है। ये दोनों ही मैंने अमेजन से परचेज़ किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से ही परचेज इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव है, और इसमें 4 LED दी गई है, और इसमें मुझे एक बात सबसे बढ़िया लगा कि ये पूरा ही ब्लैक है, और इसमें दो वायर दी गई है, एक रेड एक ब्लैक, रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव। और इंस्टॉलेशन इसका काफ़ी आसान है, बस ये वाला जो पॉइंट है इसको जहाँ स्कूटी का जो मिरर वाला जो जहाँ लगता है पॉइंट, वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। तो ओवरऑल मुझे तो ये काफ़ी बढ़िया लगा, और इसका जो कलर है वो आपके स्कूटी के साथ काफ़ी मैच करेगा, क्योंकि उसका जो डैशबोर्ड होता है वो ब्लैक होता है और ये भी ब्लैक है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं इस स्विच को इंस्टॉल करूंगा, और जिन लोगों को पता नहीं ये वाला स्विच कैसे, इसका कनेक्शन और इसको इंस्टॉल किया जाता है, तो मैं अभी बता देता हूं। तो ये जिससे हम पुल और पुश करते हैं, इसको सबसे पहले खोल लेना, ये खुल जाता है। और इसको खोलने के बाद फिर ये जो नट दिया हुआ है इसमें, इसको खोल लेना है, ये दोनों नट, एक वॉशर है एक नट है। और इसको खोलने के बाद फिर जो ये नीचे वाला जो है पार्ट्स, इस इतने ही साइज का हमें होल करना है। तो सबसे पहले हमें इस वाले पार्ट्स को रिमूव करना होगा, क्योंकि स्विच का जो इंस्टॉलेशन होगा वो इस वाले पार्ट्स को रिमूव करने के बाद करना होगा हमें। तो अभी मैं इसको रिमूव करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि रिमूव करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख के रिमूव कर सकते हैं अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो। इसको मैं यहाँ पे ड्रिल करूँगा, और ड्रिल करने के लिए मैं ये वाला जो हैंड ड्रिल होता है उसको मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे पास है। तो दोस्तों, वो जो स्विच था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जो इसका वॉशर और नट है उसको इसमें लगा देना है। तो स्विच का जो इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो गया, और इससे मैंने दो वायर निकाला है। इस वायर को कनेक्ट करने में कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस इस दोनों नट को लूज करके और एक वायर इसमें डाल के फिर से टाइट कर देना है। और अब जो हमें कनेक्शन करना है वो हमें इस वाले पार्ट्स को रिमूव करके करना होगा,
क्योंकि जो इग्निशन वाला वायर है उसके अंदर ही मिलेगा आपको। और इस पार्ट्स को रिमूव करने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर, एक 8 mm रिंच और एक 12 mm रिंच चाहिए। 8 mm रिंच इस वाले नट को खोलने में यूज़ आएगा और जो 12 mm है वो मिरर को रिमूव करने में, इस वाले के लिए 12 mm रिंच चाहिए। और इस पार्ट्स को खोलने के लिए हमें ये वाला नट, ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले पार्ट्स को रिमूव करने से पहले हमें मिरर रिमूव करना होगा। और मिरर रिमूव करने के लिए सबसे पहले ये जो कवर है इसको उठा लेना है। और ये जो स्क्रू दिख रहा है ये 12 mm का स्क्रू है, तो ये 12 mm के रिंच से इसको थोड़ा लूज करना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ इसको कैसे रिमूव किया जाता है। इसको बस थोड़ा लूज करना है तो ये अपने आप ये मूव करने लगेगा मिरर। उसके बाद इसको ऐसे घुमा घुमा के खोल लेना है। अब दोस्तों मैं इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो पुश एंड पुल स्विच है, इससे जो मैंने दो वायर निकाला है इसमें से कोई भी एक वायर आप उठा के स्कूटी का जो इग्निशन वाला वायर है उसमें कनेक्ट करना है। और जो इग्निशन का वायर है वो ये वाला है, यहाँ जो ये ब्लैक कलर की वायर है, तो इसके सॉकेट को खोल लेना है और कोई भी एक वायर उठा के इसमें कनेक्ट कर देना है। इसके बाद फॉग लाइट में दो वायर दिया गया, एक ब्लैक एक रेड। ब्लैक निगेटिव है, रेड पॉजिटिव। तो दोनों फॉग लाइट का जो रेड वायर है उसको आपस में कनेक्ट कर लेना है और जो ब्लैक वाली वायर है उसको आपस में कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद जो रेड वाली वायर है फॉग लाइट की, वो जो स्विच में एक और वायर बच गया है उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। और जो ब्लैक वाली वायर है उसको निगेटिव से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसका जो फॉग लाइट का वायर है उसको मैं इसके अंदर से निकाल लेता हूँ इस तरह से। और इस साइड भी उसी तरह करना है। सबसे पहले वायर को निकाल लेना है अंदर के साइड, फिर आपस में कनेक्ट करना है। अब जो फॉग लाइट की रेड वायर है उसको आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और जो ब्लैक वाली वायर है उसको आपस में कनेक्ट करना है। इसके बाद वो जो स्विच था पुश एंड पुल स्विच, उससे जो एक वायर बच गया था उसको फॉग लाइट के दोनों रेड वायर में कनेक्ट कर देना है जिसको हमने आपस में कनेक्ट किया था। अब जो ये ब्लैक वाली वायर है जिसको हमने आपस में कनेक्ट किया है फॉग लाइट की, इसको अब निगेटिव से कनेक्ट करना है। तो मैं निगेटिव जो है, जो ग्राउंड है, वो मैं यहीं से ले लूँगा क्योंकि यहाँ काफ़ी नज़दीक पड़ रहा है। वैसे आप कहीं से भी ले सकते हैं इसके, या तो इंडिकेटर से ले सकते हैं या फिर जहाँ भी आपको निगेटिव पॉइंट मिल जाए वहाँ से आप उठा सकते हैं निगेटिव को। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ ब्लैक वाली वायर को, ताकि यहाँ तक ये आसानी से पहुँच जाए। तो ये जो व्हाइट वाली वायर आप देख रहे हैं, ये मैंने फॉग लाइट के ब्लैक वाली वायर से एक्सटेंड किया है इसको। और इसको मैं इस वाले नट को लूज करके और इसके अंदर से ही यहाँ से मैं ग्राउंड लूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ से नेगेटिव ले लिया, अब सारा जो कनेक्शन था वो सारा कंप्लीट हो गया। नेगेटिव आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ से लिया है। आप
या तो डायरेक्ट बैटरी से ही आप उठा सकते हैं निगेटिव वाला पॉइंट, या इंडिकेटर से उठा सकते हैं। इंडिकेटर में जो, जैसे ये सॉकेट है ना इंडिकेटर का, इसमें जो निगेटिव वाली वायर है उसमें कनेक्ट करके सॉकेट में, उससे आप निगेटिव निकाल सकते हैं, या जहाँ भी आपको निगेटिव मिले आप उसमें लगा दीजिए। तो ये सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया, और कनेक्शन करने के बाद जहाँ भी कनेक्शन किया है उस पर टेप लगा लेना है। अब ये जो फॉग लाइट है इसको मैं मिरर में इंस्टॉल करता हूँ, तो देखिए इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब ये जो वायर है इसको सबसे पहले अंदर कर लेना है। अब जो मिरर का ये जो होल है जिसमें कि मिरर को हम टाइट करते हैं, उसमें फॉग लाइट का जो होल है इसको इसके पर रख देना है इसको, और रख के और ये मिरर को इस पर रख के टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद मिरर को एडजस्ट कर लेना है इससे, इसके स्क्रू को थोड़ा लूज करके। और सेम हम उस साइड भी इसी तरह से करेंगे। ये जो फॉग लाइट है ये आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं जिधर भी चाहे, जिधर भी आपको रखना है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों रात के समय इसकी लाइट चेक करते हैं। और इस लाइट को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं यहां से। और इस लाइट को आप दाएं बाएं भी एडजस्ट कर सकते हैं, जहां तक आप रखना चाहें इसको। तो दोस्तों ये तो फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन था जो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि जितने भी नए मॉडल के स्कूटी आ रहे हैं सब में पार्किंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, और जितने भी ओल्ड मॉडल के स्कूटी थे उसमें पार्किंग का ऑप्शन नहीं दिया जाता था, इसलिए मैंने इसमें अलग से स्विच लगा के इसको इंस्टॉल किया है। आप चाहें तो अगर आपके स्कूटी में अगर पार्किंग का ऑप्शन दिया गया है तो आप डायरेक्ट पार्किंग से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, पर मैं यही कहूंगा कि इसको आप अलग से स्विच लगा के इंस्टॉल करें फॉग लाइट को, क्योंकि होता क्या है कि जब जब भी आप पार्किंग का स्विच ऑन करेंगे तो वो फॉग लाइट हमेशा वो जलता रहेगा आपका, और अलग से स्विच लगाने से कि आप जब चाहे तब आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आपके मन पे होगा। और दूसरी बात यह है कि फॉग लाइट का जो यूज़ है उसको हमेशा नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप फॉग के टाइम ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, या हाईवे पे जहाँ मतलब लाइट आपको लग रहा है कि सफिशियंट नहीं है तो वहाँ यूज़ कीजिए। इससे होता क्या है क्या कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सामने वाले को थोड़ा दिक्कत होता है इससे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।